गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का नाम है लाइसेंस एंड डोमेन्स ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, मतलब ओपन सोर्स ने अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ मॉडिफिकेशंस करने के लिए एक स्पेसिफिक लाइसेंस प्रोवाइड कराया है यूज़र को। अब सब सोचें कि भाई जब ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर ही डेवलप हो रहा है तो लाइसेंस की क्या ज़रूरत है। वो इसीलिए कि कुछ यूज़र्स को ऐसा लगता है कि वो उससे कुछ बेटर, कुछ मॉडिफाइड फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो ओपन सोर्स जो टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग एक लाइसेंस प्रोवाइड कराया है, जिसके अंदर जितने भी यूज़र्स हैं वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। किसके लिए? प्रोजेक्ट के लिए। और उस एक प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन देने के लिए कोई स्पेसिफिक परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब जैसे मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और मुझे लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस मैं कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू आर कम्युनिटी। मतलब ऐसा है कि मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ चेंजेस किए, वो चेंजेस इस सॉफ्टवेयर के लिए बेनिफिशियल होंगे, तो मैं बिना आपकी परमिशन लिए, जबकि सॉफ्टवेयर आपने बनाया, बिना आपकी परमिशन लिए उस सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस बना सकती हूँ, और वो सॉफ्टवेयर जो भी क्रिएटर है जिसने उसमें चेंजेस किए हैं उसको एटलीस्ट कोई क्रेडिट देने का हक रखता है। मतलब मैंने जो एक सिंगल मॉडिफिकेशन भी किया है ना, तो उस सिंगल मॉडिफिकेशन के ऊपर सिर्फ मेरा नाम आएगा। समझ गए बात को? मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने चेंजेस कर दिए और नाम फिर भी आपके नाम से रजिस्टर्ड होगा वो। क्लियर? अब देखिए उसमें कौन कौन से लाइसेंस हैं। सबसे पहला जिसके ऊपर सारे लाइसेंस टिके हुए हैं, मतलब सबसे जो बेस लाइसेंस है उसका नाम है GNU, जनरल पब्लिक लाइसेंस, जिसको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के लिए मोस्ट कॉमनली बनाया हुआ है। मतलब इसके ऊपर सारे बेस्ड करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये GNU वाला जो लाइसेंस है ना, जो GPL के रिगार्डिंग आता है, ये GPL GNU की सबसे पहली लाइसेंस वाली कैटेगरी है। इसको सबसे मोस्ट पॉपुलर क्यों बताया है, क्योंकि इसके पास डेवलपर की इसके पास एक बहुत वाइड रेंज है कि कितने कितने तरीके से डेवलपर कंट्रीब्यूट कर सकता है उसमें, मॉडिफाई कर सकता है, उसको लीगली कॉपी कर सकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और ऐसे बहुत सारे काम है जो डेवलपर उसके सोर्स कोड से कंप्लीट कर सकता है। इसीलिए GPL सबसे फेमस कैटेगरी आती है लाइसेंस की GNU के अंडर में। अब देखो GPL वाले यूज़र क्या क्या कर सकते हैं, कॉपी द सॉफ्टवेयर, डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर, चार्जेस और फ्री द सॉफ्टवेयर, मॉडिफाइड द सॉफ्टवेयर। मतलब अगर आपने जो चेंजेस कर दिए उस चेंजेस के साथ साथ आपको भी उसका क्या मिल गया, परमिशन मिल गया, आप भी उसके एक तरीके से डेवलपर हो गए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपने मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलप किया है आप उसको पैसे में बेचना चाहते हो, आप उसको रेंट पर देना चाहते हो, आप उसका कुछ एक मिनिमल चार्ज लगाना चाह रहे हो, या आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाह रहे हो, ये आपकी इच्छा है। समझ गए? क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक GNU का ही है, जिसका दूसरा एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसको अपन बोलते हैं LGPL, है ना, लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस। देखिए, इट ऑफर्स लेजर राइट टू वर्क देन द स्टैंडर्ड GPL, जो वो तो मोस्ट पॉपुलर है ही, GPL से कुछ कम राइट्स हैं इसके पास LGPL का। ये क्या करता है, फ्री सॉफ्टवेयर जो सोर्स कोड के होते हैं ना उसको तो प्रोवाइड तो कराता ही है, उसके साथ साथ फ्री सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को भी प्रोवाइड कराता है। मतलब जो मैंने आपको लास्टली डिस्कस की रही थी ना, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर, द मेजर एक्सेप्शन बिटवीन LGPL और GPL, और इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन क्या है, भाई जब ये भी वही काम करता है वो भी वही काम करता है तो इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन क्या है। देखिए, With LGPL, the requirement that you have to release software extension in OpenLGPL has been removed. कह रहा है कि जो requirement आपने release की है software के extension के साथ वो GPL में हटा दी जाती है, जबकि LGPL में वो release की जाती है। Clear? Next अपन बात करते हैं MIT license. MIT license क्या होता है, देखिए MIT
is the shortest and the broadest all of the popular open source license. आपको इतना तो पता ही है, हम license की बात कर रहे हैं. तो ये सबसे ज़्यादा shortest और broadest क्यों बताया है, इसके provisions देखिए. हम इसको use कर सकते हैं, copy कर सकते हैं, modify कर सकते हैं किसी भी software को, चाहे हम कैसे भी करें, कोई हमें नहीं रोक सकता. Next, you can give the software away for free or sell. हम वही बात वाली बात, बेच भी सकते हैं और freely भी इसको use कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास कोई restrictions नहीं है. तीसरा point, anyone can do whatever they want with license material as long as it accompanied by the license. जब तक आपने उसको खरीद रखा है तब तक आप उससे कुछ भी करो, मतलब उसकी कोई स्पेसिमेन कॉपी बना के बेचो, कुछ भी करो, कोई भी इंसान आपको कुछ नहीं कह सकता. उसके बाद लास्ट लाइसेंस की हम बात करते हैं, अपाचे लाइसेंस. अपाचे लाइसेंस क्या कहता है? अपाचे लाइसेंस ग्रांट अ नंबर ऑफ राइट्स टू द यूजर्स. दीज राइट्स कैन बी अप्लाइड टू बोथ कॉपीराइट और पेटेंट. दोनों पर काम करते हैं ये अपाचे सॉफ्ट. अपाचे जो लाइसेंस है कॉपीराइट पर भी काम करता है और लेट और पेटेंट पर भी काम करता है. तो अपाचे सॉफ्टवेयर क्या क्या ऑफर करता है? राइट्स आर प्रीपेक्चुअल, मतलब लगातार, मतलब आपने एक बार ग्रांट कर दी कोई भी परमिशन तो आप उसको यूज़ कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट में. देखो ये चीज़ सभी में कॉमन है, एक बार आपने ग्रांटेड कर दी तो एक स्पेसिफिक जब तक उसका टाइम पीरियड है तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हो. राइट्स आर वर्ल्ड वाइड, आप किसी भी जगह पर कंट्री में कहीं भी हो आप उसे यूज़ कर सकते हो. राइट्स आर ग्रांटेड फॉर नो फी और रॉयल्टी, आप ये भी कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आप उसका चार्जेस लो, ये भी हो सकता है कि आप उसे फ्री में दे दो, या ये भी हो सकता है रॉयल्टी के कोई मिनिमल चार्जेस लो. राइट्स आर नो एक्सक्लूसिव, नो एक्सक्लूसिव का मतलब समझते हैं सभी. नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राइट्स आर इरवोकेबल, मतलब नो वन कैन टेक दोज राइट्स वंस दे ग्रांटेड. ऐसा नहीं है आपने एक सेकेंड पहले कोई राइट दिया था उसके बाद आपने वापस से उससे वो राइट ले लिया, मतलब राइट देने के बाद वो फिक्सेशन हो जाते हैं. ऐसा कुछ इसमें खास नहीं था लाइसेंस वाले टॉपिक में, बट फिर भी हमें थोड़ा सा इसको देखना था. लाइसेंस से रिलेटेड बेसिकली इनमें कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं आते. अगर कोई एक लाइसेंस के बारे में पूछा जाता है तो सारे लाइसेंस अप्रोक्सीमेट सेम से हैं, तो अपन सभी लाइसेंस का एक दूसरे का मिला जुला रूप कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वर्सेस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. क्या क्या होते हैं देख लो भैया. पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज अ फ्री, कैन बी यूज्ड विदाउट रेस्ट्रिक्शंस. समझ गए बात, क्या समझाऊं? फ्री होते हैं भैया, कैसे भी अपन इसको यूज कर सकते हैं विदाउट रेस्ट्रिक्शंस के. और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? नाइदर फ्री नॉर अवेलेबल फॉर पब्लिक. लास्टली टॉपिक पढ़ा तो था हमने, फ्री में नहीं मिलते और पब्लिकली भी नहीं मिलते. अपन को क्या करना पड़ता है, क्योंकि इनके साथ प्रॉपर लाइसेंस अटैच्ड होता है ना, इसीलिए अपन को उनको खरीदना पड़ता है या फिर उनका ऑर्डर देना पड़ता है या उनका एक मिनिमल कॉस्ट जो चार्जेस उसके अप्लाइड होते हैं वो अपन वो अपन को पहले पे करना होता है और आफ्टर दैट ही हम उसको यूज में लेते हैं. ठीक है, अब ये तो हो गई यहाँ तक लाइसेंस की बात, इससे बोर हो गए, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, प्राइवेसी. ओके, लाइसेंस का झमेला खत्म हो गया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का फ्री सॉफ्टवेयर का झमेला यहाँ खत्म. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्राइवेसी. जब हम चैप्टर हमारा एथिक्स और वैल्यू से डिपेंड करता है तो सिंपल सी बात है सॉफ्टवेयर की प्राइवेसी भी जरूरी हो जाती है ना. तो प्राइवेसी क्या होता है? प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रैवर्स करा रखी है उसको एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दें, दिस इज कॉल्ड प्राइवेसी, है ना. जैसे भाई आपने अपनी पर्सनल क्या फोटोज पोस्ट कर रखी हैं तो आप उसको प्राइवेसी में तो रखोगे, ये थोड़े कोई भी मिसयूज कर ले उसका. ठीक है, अब प्राइवेसी के कुछ जो टर्म्स हैं वो नीचे डिस्कस किए हैं. सबसे पहला ऑनलाइन फ्रॉड. ऑनलाइन फ्रॉड होता क्या है सभी को पता है, थोड़ा सा तो पता है ना, मतलब एक ऐसा फ्रॉड जो आप इंटरनेट की मदद से कर रहे हैं. ठीक है, और वो इंटरनेट की मदद से कमिट किया जा रहा है, मतलब इंटरनेट तो उसमें एक मीडियम है, बाकी फ्रॉड आप कर रहे हैं, है ना. अब जैसे अपन लोग ऑफलाइन भी तो करते हैं, जैसे किसी से एक के चार लगा के ले लेते हैं, किसी कोई चीज़ चोरी कर लेते हैं, जैसे
एटीएम से पैसे निकाल लिए जाते हैं, सब चीजें फ्रॉड्स हैं। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन फ्रॉड का मतलब ऑनलाइन कोई इंसान क्या करेगा, किसी की इंफॉर्मेशन ही तो चुराएगा, ये तो है नहीं कि एफबी पर जाकर पैसे चुरा लेगा, है ना। तो मतलब ऑनलाइन किसी की स्टीलिंग करना, किस चीज़ की स्टीलिंग, इंफॉर्मेशन की स्टीलिंग करना, या फिर ऑनलाइन किसी से चेक, जैसे चेक ट्रांसफ़र करवा लेते हैं अपन, नहीं जैसे किसी का चेक नंबर, कुछ पिन नंबर वगैरह ये चुरा कर उसके बाद अपन उसके पेमेंट को चुरा लें, कैसे भी करके। ठीक है, टू स्टॉप ऑनलाइन फ्रॉड एंश्योर द सॉफ्टवेयर सेफ साइट। अगर आपको ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना है या आपको उससे बचना है तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन जो भी साइट्स आप यूज़ करते हैं एंश्योर करेंगे कि वो साइट सेफ है या नहीं। जब जब आप अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालें, इससे पहले चेक करें कि जिस इन्फॉर्मेशन को आप ट्रैवर्स कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं, या आप कोई अपने बैंक डिटेल्स उसमें सबमिट कर रहे हैं तो उससे पहले भी उस इन्फॉर्मेशन को डालने से पहले उस वेबसाइट के बारे में श्योरिटी ले लेनी चाहिए। अब देखो श्योरिटी कैसे लें भाई, पता तो होना चाहिए, श्योरिटी कैसे लें, देखो एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। ऑलवेज एंश्योर द एड्रेस कंटेन https विच एंटर्ड इन URL। ये जो ऊपर हमारा URL एड्रेस जहाँ हम टाइप करते हैं वहाँ आपको सेफ और सिक्योर साइट के बारे में पता चल जाएगा। देखो साइट यहाँ पर भी वही चलाइए school.com, साइट यहाँ पर भी वही चलाइए school.com। देखिए ये जो जो हमारा https है ये स्टैंडर्ड URL एड्रेस बताता है, और ये जो लॉक साइन एक बना हुआ आता है ये आपको दिखाता है कि ये साइट सिक्योर है, समझ में आ रही है। और ये क्या है, एक फेक कनेक्शन है जो किसी का URL एड्रेस कॉपी करके बनाया गया है। तो डिफ्रेंसिएशन समझ में आ गया आपको, हो गई बात क्लियर। अपने टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, इससे आगे वाला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, माना कि थोड़ा सा बोरिंग था लाइसेंस वाला, बट फिर भी अब हमारे टॉपिक में है तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया हो तो बता देना बेटा। ओके, बाय बाय।